हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम अचीव आईएएस का नया क्रैश कोर्स एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर जो चल रहा है, इसका पहला एपिसोड कल आ चुका है, ये सेकंड एपिसोड है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। स्टोन एज के ऊपर हैं हमें, कल मैंने बताया था ह्यूमन एंसेस्टर्स किस तरीके से अपीयर हुए, होमो हिबलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो देख लीजिए। तो इसको भी शुरू करने से पहले मैं फिर आपको आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बता देता हूँ। हमारा पीरियड अभी चल रहा है क्वार्टरनरी। देखो ऐसे शुरू करते हैं, ईरा हमारा काइनियोजोनिक है, पीरियड हमारा क्वार्टरनरी है। तो ईरा हमारा काइनोजोनिक है, पीरियड क्वार्टरनरी है। उसमें दो इपोच हैं, होलोसीन और प्लिस्टोसीन। होलोसीन में है हमी अभी हम जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। प्लिस्टोसीन 2 मिलियन ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक रहा था, जिसमें होमो सेपियंस आए थे। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कल मैंने आपको बताया था, वो प्लिस्टोसीन में आया था। 2 से 5 मिलियन ईयर में ये डेवलप हुआ था। होलोसीन में अभी हम हैं, इससे पहले प्लिस्टोसीन था जिसे आइस एज भी कहते थे, और होलोसीन आपका पोस्ट आइस एज पीरियड है, जिसमें क्लाइमेट थोड़ी वार्म हो गई थी, ह्यूमिडिटी हो गई थी, तो वार्म क्लाइमेट यहाँ पे हो गई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा जो पहला स्लाइड है, हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, एंशंट। लिथिक मतलब होता है स्टोन, रॉक या चट्टान। तो ओल्ड स्टोन एज यानी जो सबसे पहले हमारे स्टोन एज आई, सबसे पहले जो हमारे पत्थर के टूल्स बने, वो तीन फेजेस में डिवाइडेड हैं, अर्लियर, मिडल और लेटर। अर्लियर आपका 5 लाख से 50,000 BC तक रहा। अब ये डेट्स में वेरिएशन आ सकता है, डिफाइंड ये पूरी पक्की नहीं है अभी। मिडल आपका 50,000 से 40,000 रहा था, और लेटर 40,000 से 10,000 BC रहा था। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जो लेटर पैलियोलिथिक एज है वो 10,000 BC पे ख़त्म हो गई थी, और 10,000 BC पे ही आपका जो प्लिस्टोसीन एज है, आइस एज भी ख़त्म हो गया था, और आपका होलोसीन शुरू हो गया था 10,000 पे। तो इसका मतलब ये है कि लेटर पैलियोलिथिक में आते आते हमारा जो पोस्ट आइस एज पीरियड शुरू हो गया था, और टेम्परेचर वार्म होना शुरू हो गया था ह्यूमिडिटी के साथ। चलिए एक एक करके सबसे पहले अर्ली पैलियोलिथिक एज को पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल प्लिस्टोसीन यानी जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड है उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। अर्लीस्ट ये जो है आपका स्टोन एज है, जो पैलियोलिथिक आपका जो पीरियड है ये आपके आइस एज में डेवलप हुआ था, जिसको प्लिस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं। और सारी देश के सारे पार्ट्स में प्रैक्टिकली स्प्रेड था ये। इंदस और गंगा के एलुवियल प्लेन्स पे ये मौजूद नहीं थे। नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे, गुफाओं में रहते थे और शिकार वगैरह करते थे, जंगली जानवरों को मार के खाते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से करते थे। एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, हर दिन उठ के जाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता था और खाना लाना पड़ता था। हाउस बिल्डिंग नहीं थी, कभी बाढ़ वगैरह, फ्लड्स वगैरह, ड्रॉट्स वगैरह तो आ जाए तो ये अपनी घरों को, गुफाओं को छोड़ छोड़ के कहीं और सेटल होना पड़ता था। एग्रीकल्चर नहीं था, हाउस बिल्डिंग नहीं थी, पोल्ट्री नहीं थी, कोई मेटल नहीं था, यानी इसका मतलब ये कुछ चीज़ स्टोर करके नहीं रख सकते थे, और स्टोर करके नहीं रख सकते थे इसलिए इनको दिन रात वो चीज़ इकट्ठी करनी पड़ती थी, जैसे खाना। अब फायर पैलियोलिथिक एज में ही इन्वेंट हुई थी, लेकिन लेटर स्टेजेस में ही आई थी। जो आपका लेटर पैलियोलिथिक पीरियड या अपर पैलियोलिथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसमें फायर आई थी, तब जाके इन्होंने सीखा कि किस तरीके से मांस को पका के खाया जा सकता है, तब जाके इनकी चीज़ें दिमाग में आईं। लेकिन अभी भी इनके पास कोई मेटल नहीं था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी नहीं था,
नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर की, हाउस बिल्डिंग नहीं थी और पॉटरी भी नहीं थी। अच्छा, यूपीएससी वैसे इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछता ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब पूछता है तो मोस्टली बच्चों को आता नहीं है, क्योंकि पूछता क्या है वो पूछता है, एक तो स्टोन्स आप ज़रूर याद रखिएगा कि किस तरह के स्टोन्स जो हैं कौन से पीरियड में थे। मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन फिर भी बार बार रिविज़न करेंगे तो याद हो जाएगा। इस समय इंसान अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स यूज़ में लेता था। जाहिर सी बात है, शुरू शुरू की बात है, जब उनको स्टोन्स यूज़ करना आया तो वो इतना पॉलिश नहीं होता था, इतनी नॉलेज उनको नहीं होती थी। हार्ड रॉक के बनते थे, क्वार्टाइज के। क्वार्टाइज एक तरह की हार्ड रॉक थी, इसलिए पैलिथिक मैन को क्वार्टाइज मैन इन इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टाइज मैन इन इंडिया। एक बार आप नज़र जो है देख लीजिए, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये जो लो पैलिथिक पीरियड है, मिडल पैलिथिक पीरियड है और अपर पैलिथिक पीरियड है। लो से हम मिडल में जा रहे हैं तो पैना होता जा रहा है, यानी आप एक बार देखो कि इसमें हम केवल एक तरफ से मार सकते हैं किसी भी जानवर को, वो लोग इसमें एक तरफ से मार सकते थे, लेकिन इसमें दोनों तरफ से जो है इधर से भी कहीं से भी वार किया जा सकता है, इधर से भी। इसके बाद इन्होंने बिल्कुल जो है बोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए, ब्लेड्स वगैरह पहने हथियार बनाने शुरू कर दिए। और अपर पैलिथिक में आते आते उनके हथियार जो थे वो थोड़े बड़े और थोड़े पहने शार्प होते गए। आइए डिटेल में समझते हैं अर्ली एंड लोअर पैलिथिक एज को। सोन और सोहन रिवर वैली में हमारे ये फाउंड हुई, कश्मीर में मिली, कश्मीर की वैली जो थी, थार डेजर्ट, हिरन वैली गुजरात, भीमबेटका के। अच्छा मैं एक बात बता दूँ आपको, जो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं उसमें लोअर पैलिथिक, मिडल पैलिथिक और अपर पैलिथिक तीनों की जो है वहाँ पे आपको प्रूफ मिलेगा, वहाँ पे उनकी जो है छाप मिलेगी, जो आपके पेंटिंग्स हैं जो वहाँ पे। वो बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में जो है वहाँ भी इनकी थोड़े बहुत आपको एविडेंस मिलेंगे। टूल्स याद रखिए, एक्सेस और चोपर से यूज में लेते थे, एक्सेस चोपर्स और क्लेवर्स। आइस एज को ये कवर करता है, अर्ली पैलिथिक एज। मैंने आपको बताया था 5,00,000 से 50,000 साल तक ये रहा, और अपना जो आइस एज है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका आइस एज है, ये 2,000,000 से 10,000 साल तक रहा, ठीक है। और मैंने इसमें क्या बोला कि ये जो है आपका आइस एज की ग्रेटर पार्ट को कवर करता है, 5,00,000 साल पहले आ गया था, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एक करके टूल के बारे में बात करते हैं। एक्स कुल्हाड़ी, ये जो उस टाइम की हैंड एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हाथ में जो समा जाने वाली जो हैंड एक्स थी वो इस तरीके की देख सकते हैं, और इस तरीके से जो है इनको पकड़ना पड़ता था, तो एक तरफ से ये मार सकते थे, और इनको ज़्यादा सावधानी के साथ ही यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि अगर गलती से गलत जगह से पकड़ लिया तो हो सकता है जो जानवर है वो हमला कर दे और जानवर जो है वो इंसान को ही लपेटे में ले ले, ठीक है। तो काफ़ी सावधानी इसमें बरतनी पड़ती थी। अब ऐसे जैसे एक्सेस की मैंने बात कर ली, अब चोपर्स की बात करते हैं। चोपर कुछ इस तरीके का था, और इसमें भी आप देख सकते हो कि वार एक तरफ से ही किया जा सकता था, एक तरफ थोड़ा हैवी था, एक तरफ थोड़ा शार्प था, इतना नहीं था, लेकिन मारने की जगह यहाँ थी, तो एक चोपर जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है क्लेवर्स, क्लेवर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि एक जगह से ही जो है मारा जा सकता है, साइड यहाँ से जो है हैवी है, यहाँ से मारा नहीं जा सकता। मिडल पैलिथिक एज पे आते हैं अपन, इनमें फ्लेक्स बनने शुरू है। फ्लेक्स क्या होता है? देखो, जब भी ये क्या करते थे, पत्थरों से थोड़ा सा और शार्प मटेरियल निकालने लग गए, जो भारी भारी मटेरियल था उनको हटा देते थे और शार्प मटेरियल बनाने लगे, मोर लाइटर मोर प्रिसाइज। इनके टूल्स का नाम क्या था? स्क्रैपर्स, पॉइंट्स और ब्लेड लाइक। लोअर पैलिथिक में क्या कहते? एक्सेस, चोपर्स और क्लेवर्स, हैंड एक्सेस, ठीक है। मिडल पैलिथिक में क्या क्या है? स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, ब्लेड लाइक टूल्स, मेडली मेड ऑफ फ्लेक्स एंड दे आर लाइटर एंड मोर प्रिसाइज। दे आर फाउंड इन सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैलीज, पटवार प्लेटू जो आपके इंदस और झीलम में है, और पटवार प्लेटू याद है कल मैंने आपको बताया था जिसमें रमा पितेकस और शिवा पितेकस की जो स्कल्स थे वो पाए गए थे, जो अपने एप्स थे, जो ह्यूमन होमिनिड फीचर्स
थे उनमें, लेकिन थे एप वो। अगर आपने नहीं देखा तो कल आप जाके कल की वीडियो में देख सकते हैं, कल जो मैंने बताया था संघाओं के पेशावर पाकिस्तान में भी इनके सबूत मिले। ए बार्डिंग के टूल्स देख लीजिए, देखिए ब्लेड लाइक पॉइंट्स और ये सारे टूल्स मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए ब्लेड्स एंड स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स और ब्लेड्स, ये ब्लेड्स हैं। अब देखिए इनमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें हाथ पकड़ के मतलब इसको हाथ में रख के और जानवर को मारा तो ये हर जगह से पहना है, हर जगह से आप देख सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा सा ये खुदरा हुआ है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। और ये देख सकते हो ये स्क्रैपर्स हैं, कुछ इस तरीके के ही हैं लेकिन ब्लेड्स थोड़े ज़्यादा बड़े और पहने थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो स्क्रैपर्स, पॉइंट्स और ब्लेड लाइक, लोअर पैलियोलिथिक एज में कौन कौन से थे? हैंड एक्सेस, चोपर्स, क्लेवर्स। हैंड एक्सेस, चोपर्स और क्लेवर्स, इसमें कौन कौन से हैं? स्क्रैपर्स, पॉइंट्स और ब्लेड लाइक टूल्स, ब्लेड्स भी कह सकते हो। स्क्रैपर्स, पॉइंट्स और ब्लेड्स मेनली मेड ऑफ फ्लेक्स, शार्पर एंड मोर प्रिसाइज, मिडिल पैलियोलिथिक, याद रखना। अब बात करते हैं अपन अपर पैलियोलिथिक के। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स आई, बुरिन्स आई और बोन टूल्स आई। बोन टूल्स बेसिकली हर जगह अपीयर नहीं हुई थी। बोन टूल्स आपको कर्नल और मुच्छतला, चिंतामणि, गावी जो आंध्र प्रदेश में वहीं मिलेंगी, लेकिन थी। ब्लेड्स और बुरिल्स थोड़े और शार्प होते गए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउदर्न यूपी और छोटा नागपुर प्लेटू में ये जो है इनके आपको मिलेंगे एविडेंसेस। सोमियो होमो सेफियंस जो हैं वो इस फेज में आए थे। ये अपर पैलियोलिथिक जो है वो आपका लास्ट फेज है। मैंने आपको बताया था कि अपर पैलियोलिथिक कब शुरू हुआ था, ये देखिए 40,000 से 10,000 साल तक रहा था। 40,000 साल में शुरू हो गया था और 10,000 में ख़त्म हो गया, तो 10,000 साल में ही आपका प्लीस्टोसीन पीरियड भी ख़त्म हो गया था। प्लीस्टोसीन पीरियड भी ख़त्म हो गया और 10,000 साल में आपका हेलोसीन शुरू हो गया पोस्ट आइस एज, जिसमें क्या आया आपका मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा होमो सेपियंस इस टाइम आए थे और आइस एज जब ख़त्म हुई तब पोस्ट आइस एज में होमो सेपियंस आए अपर पैलियोलिथिक स्टेज के साथ। क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो गया और लेस ह्यूमिड हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा ह्यूमिड थोड़ा लेस हो गया, मैं अपनी वीडियोस में इस वीडियो में बार बार मैंने बोला कि ह्यूमिड ज़्यादा हो गया, नहीं, क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो गया और ह्यूमिड कम हुआ, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम हुई थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने वीडियो में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बोली। क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्म हुआ था और ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हुई, ठीक है। तो इसके टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, बुरिन्स और बोन टूल्स। बुरिन्स आप देख सकते हो, अच्छा ब्लेड्स तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये ब्लेड्स थी, ये पैरेलल साइडेड ब्लेड्स इन्होंने बनानी शुरू कर दी। बुरिन्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह के टूल्स थे, थोड़े ज़्यादा शार्पर थे और एक जगह से पॉइंटेड थे। फ़र्क देख पा रहे हैं आप इसमें, ये एक जगह से पॉइंटेड है, यहाँ पे ये एक जगह से पॉइंटेड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, बोन टूल्स तो और भी ख़तरनाक है, मतलब ये तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाए गए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद, गुड ब्लेस यू ऑल।